तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने सिस्टम में विंडोज 7 का फ्रेश इंस्टॉलेशन किए हो और फ्रेश इंस्टॉलेशन करने के बाद और ऐसे कौन कौन से सेटिंग्स हैं जिन्हें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे आपका विंडोज 7 पहले से ही इंस्टॉल है या आप अभी फिलहाल फ्रेश इंस्टॉलेशन किए हो तब भी आपको उन सेटिंग्स को कर लेना चाहिए। उन सेटिंग्स को करने के बाद जो आपका पीसी का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा। तो आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर लेना है। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की और आपको यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लेना है, और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन बूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना यह है कि आपको इस बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एडवांस्ड ऑप्शन का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा, और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा। तो आपको उस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे आपको 1 और 2 यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 4 तक शो हो रहा है, 1, 2, 3, 4 या 8 तक आपको शो हो रहा है, तो आपको करना ये है कि आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर मैंने हाई वाला मैंने टॉप नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे 1, 2 है तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका वहाँ पे 1, 2, 3, 4 है तो आपको वहाँ पे 4 को सेलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको करना यह है कि आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे ओके का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद अब आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है, और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का आपके सामने कुछ इस तरह का छोटा सा आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कह ही रहा है कि आपको सिस्टम का जो सेटिंग्स आप चेंजेस किए हो, चेंजेस करने के बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है। तो आप यहां पे देखोगे आपको यहां पे रीस्टार्ट का बटन शो हो रहा होगा, तो आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल मैं अभी इसे रीस्टार्ट नहीं करता हूं, मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। अब आपको यहाँ करना ये है, जैसे आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिए हो, रीस्टार्ट कर लेने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको फिर से अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है। ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे कंप्यूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसी पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको करना ये है कि आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज का आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टॉप वाला आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परफॉर्मेंस का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन के सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेटिंग बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने परफॉर्मेंस ऑप्शन का एक इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा, और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे आपके यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे हम लोग करने ये वाले हैं कि यहाँ पे आपके सिस्टम का मैंने अपने सिस्टम का यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप टोटल वर्चुअल मेमोरी का साइज जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हो 496 MB यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से मैं यहाँ पे 8 GB तक यहाँ पे मैंने वर्चुअल मेमोरी को साइज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो 8 GB तक जो साइज है वो साइज आपका आपके हार्ड ड्राइव से वो साइज यहाँ पे क्या होगा कि वो साइज को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ए पैकिंग फाइल इज एन एरिया ऑन दी हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज इफ इट वेयर रैम, माने जो हार्ड डिस्क का जो एरिया है कुछ एरिया जहां जितना आप यहां पे सेटिंग करोगे जितने भी एरिया जितनी भी साइज को सेटिंग करोगे वो एज ए वर्चुअल रैम की तरह आपका यूज करेगा। तो यहां पे मैं करूंगा ये कि यहां पे अभी फिलहाल यहां पे 4096 मैंने यहाँ पे लगभग 4 GB तक यहाँ पे दिया गया है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 8 GB तक यहाँ पे मेमोरी अपने वर्चुअल मेमोरी को प्रोवाइड करूंगा।
तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे चेंज का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको करना ये है कि आपको इस चेंज वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बाय द वे जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है ऑटोमेटिकली पे, तो आपको यहाँ से ये चेक मार्क को हटा लेना है। ठीक है, हटा लेने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे यहाँ पे मेरा कस्टम साइज यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है, अगर बाय द वे आपका यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे उसे टिक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा देख सकते हो कस्टम साइज में यहाँ पे टिक मार्क है, तो आपके यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल साइज जो यहाँ पे है वो MB में यहाँ पे है दिया गया है, और मैक्सिमम साइज भी MB में दिया गया है। तो आपको अब करना ये है कि जैसे मैं यहाँ पे 8GB तक अपने वर्चुअल मेमोरी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मान के चलिए जैसे आपको उससे कम तक आपको प्रोवाइड करना है, मैंने कम GB तक आपको प्रोवाइड करना है, 6GB या 5GB, ठीक है, या 4GB तक ही रहने देना है, तो आप यहाँ पे उसे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 8GB तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहे तो 16GB भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा ये, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँगा, तो आपको यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया हूँ, और आपको यहाँ पे टाइप करना है 1024, माने 1GB, 1GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। ठीक है, तो इनटू अब करना है मुझे 8 से मल्टीप्लीकेशन इसको कर देना है 8192, यहाँ पे मेरा जो MB है 8GB का जो MB का साइज है यहाँ पे शो हो रहा है 8192। तो अब मैं करूँगा ये कि अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा 8192, और यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम साइज में भी यहाँ पे दे देता हूँ 8192। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है। पुट कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेट का आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इस सेट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद अब आपको इसे ओके कर लेना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेरा वर्चुअल मेमोरी का साइज है यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे टोटल साइज आप यहाँ पे देख सकते हो वो 8192 MB, माने 8GB तक यहाँ पे जो साइज है यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। अब आपको इसे ओके कर लेना है, और मैं इस कैलकुलेटर को क्लोज कर लेता हूँ, और मैं इसे ही क्लोज कर लेता हूँ। अब आपको करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेरा सिस्टम प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज वैसा ही ओपन है। तो आपको अब करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड के टॉप में। तो आपको करना ये है कि आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मेरा जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किए हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 7 किया हूँ इसलिए मैं आपको विंडोज 7 पे बता रहा हूँ। आप विंडोज 7 किए हो या विंडोज 8.1 किए हो या विंडोज 10 किए हो, ठीक है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हो, फ्रेश इंस्टॉलेशन किए हो, तो ये सेटिंग्स को आप जरूर कीजिएगा। करना ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, नेटवर्क एडाप्टर वगैरह वगैरह बहुत सारा यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ड्राइवर आपको शो हो रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको इन सभी ड्राइवर को एक एक ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन किया हूं, और इस पे राइट करके आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्च ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे जो आपका जो ड्राइवर है यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे वो ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो वो डाउनलोड होके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा। जैसे मैं मेरा यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसे आप क्लोज करता हूँ। तो आपको इसी तरह इन सभी ड्राइवर को ओपन करना है, जैसे इस तरह ओपन करना है, और इस पर राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है, और इन सभी को आपको मैंने अपडेट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन होना चाहिए, तो आप सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लीजिएगा, तभी जाकर आप इन सभी ड्राइवर को अपडेट कीजिएगा, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के बिना आप इन सभी को अपडेट नहीं कर सकते हो। तो आपको इन सभी को एक एक करके ओपन करना है इस तरह से, और इन सभी को अपडेट करते जाना है। जैसे मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे अभी फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा क्लोज हो चुका है, सॉरी ये पूरा ही क्लोज हो गया। तो हाँ, इन सभी आपको ड्राइवर को आपको एक एक करके मैंने अपडेट कर लेना है। अगर बाय द वे
वो मैंने अपडेट नहीं रहा या डाउनलोडेड नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सभी को एक एक करके अपडेट करना है। और बाय द वे, मान के चलिए कि इनमें से कोई सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे मैंने जैसे मान के चलिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आपका लैपटॉप है, आपका किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, डेल है, एचपी है, लिनोवो है या एसर है, किसी कंपनी का लैपटॉप है, तो आप उसके जो ऑफिशियल उस कंपनी का जो ऑफिशियल ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उससे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं मैनुअली अपने सिस्टम में। तो उसके रिगार्डिंग में मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, डेल के ऊपर है, एचपी के ऊपर है, एसर के ऊपर है, मैंने सभी लैपटॉप के रिगार्डिंग में वीडियो बनाया हूँ और मैं उन वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जाकर पार्टिकुलरली उस लैपटॉप के कंपनी का आप ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।